रेडी। नमस्कार दोस्तों, हम इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आए हैं, आपको यहाँ तरह तरह के आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं, उनके आर्ट के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक मैम है, आइए उनके बारे में बताते हैं कि उनका आर्ट किस तरीके का है और कैसे वो इस काम को और आगे बढ़ा रही हैं। जी मैम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पोलोमी पल्लव बोस है और मैं एक वाटर कलर मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारा मेरा आर्ट है। मेरे आर्ट वर्क में मोस्टली आप देखेंगे विमेन स्टोरीज़ के अराउंड है, महिलाओं का जो एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो कहानियाँ होती हैं। और उसके अलावा मुझे माइथोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल फिगर्स को एक्सप्लोर करती हूँ अपने आर्ट के थ्रू। ये जो है, ये चार पेंटिंग्स की सीरीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने चार विश्व प्रसिद्ध महिला कलाकारों के चित्र जो है वो उकेरे हैं। उनके पोर्ट्रेचर्स नहीं मिलते हैं हमें, हमें पता नहीं होता ये महिला कलाकारों के नाम पता होते हैं लेकिन हम जानते नहीं हूँ कैसे दिखते हैं। मैं चाहती थी कि मेरे आर्ट के थ्रू मैं वो चीज़ रिप्रेजेंट कर पाऊँ। ये जो पूरा सीरीज़ है, ये सीरीज़ है इमोशंस के ऊपर। द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन पोर्ट्रेइंग एक डिफरेंट इमोशन हर एक चित्र में। तो इसमें मैंने एज का कॉन्सेप्ट उठाया है, इसमें ओपिनियंस का कॉन्सेप्ट है, इसमें इनोसेंस का कॉन्सेप्ट है, इसमें ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है। और ये वाला जो मेरा पेंटिंग है, इसका नाम है रागिनी, और इसमें तीनों का जो एक सम्मिलित चित्रण है वो उनके तीनों के एक्सप्रेशंस को अलग अलग रखते हुए तीनों को साथ में किस तरह से बांध के रखा है वो दिखाता है। मैम आप ये कितने दिनों से ये काम कर रही हैं और लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? 2 साल से तकरीबन मैं ये कर रही हूँ फुल टाइम अब, और बहुत ज़्यादा मुझे इनक्रेजमेंट मिला है ऑन माय वे। यहाँ पर भी इंडिया आर्ट फेस्टिवल में भी हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, अभी तक लोग सराहा रहे हैं काम को, और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात वही होती है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपने इस आर्ट के ज़रिए और पहचान बनाएं, आपने बहुत अच्छा अपनी इमेजिनेशन को तस्वीरों में उकेरा है, आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप इनके कला को ज़रूर पसंद करिए, अच्छा है तो इस वीडियो को आप शेयर लाइक ज़रूर करिए और देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।